आज के लेक्चर में अपन माइक्रोवेव प्रोपोगेशन इन फेराइट्स की बात करेंगे। देखो, अपना जो आज का टॉपिक है वो क्या है, माइक्रोवेव प्रोपोगेशन इन फेराइट। देखो क्या बात करने वाले पड़े अपन, पिछले लेक्चर तक अपन वेव गाइड की बात कर रहे थे, और वेव गाइड और किसकी बात की थी अपन ने, केविटी की बात की थी, यानी अपन माइक्रोवेव की बात करें। और माइक्रोवेव की मैंने जो रेंज वो आपको बताई थी, उसके बाद में अपन ने बात की कि माइक्रोवेव जो है उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक प्रोपोगेट करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है। तो उसमें अपन ने वेव गाइड पढ़ी थी, ठीक है। वेव गाइड दो टाइप की पढ़ी थी अपन ने, एक रेक्टेंगुलर, क्या पढ़ी थी अपन ने, वेव गाइड पढ़ी, और वेव गाइड के टू टाइप्स अपन ने पढ़े थे, एक रेक्टेंगुलर और एक सिलेंड्रिकल। फिर अपन ने उसमें क्यू फैक्टर की बात की, और क्या बात की कि किस किस वजह से पावर जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक प्रोपोगेट करेगी तो उसमें लॉस होगा, ये बात अपन ने कर ली थी, ठीक है। उसके बाद में अपन ने रेजोनेटर पढ़ा कि जो माइक्रोवेव है पावर है उसको स्टोर करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, तो स्टोर करने के लिए अपन ने पढ़ा था किसकी ज़रूरत होती है, या तो आप केविटी की बात कर सकते हो या रेजोनेटर की बात कर सकते हो। और केविटी या रेजोनेटर के अपन ने क्यू फैक्टर निकाला था, क्या पढ़ा था, रेजोनेटर अपन ने पढ़ा था, और इसके लिए अपन ने क्यू फैक्टर पढ़ा था। अब अपन बात करने वाले कि जो माइक्रोवेव डिवाइस होती है वो किससे बनी होती है, या उनके जो प्रोपोगेशन पावर होता है वो उसमें कौन से अपन मटेरियल को यूज में लेते हैं, ठीक है। तो अब अपने को बात क्या करना है कि जो माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी पे सूटेबल मटेरियल है उसकी अपन बात करेंगे, जो ट्रांस जिस जो क्या करे प्रोपोगेशन के काम में आता है, कहाँ पर, माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी। तो आज के लेक्चर में अपन क्या बात करने वाले हैं, जो माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी है, माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी पे कौन से मटेरियल सूटेबल होंगे जो पावर को प्रोपोगेट करने के काम आएंगे। तो जो मटेरियल होंगे वो कौन से होंगे, फेराइट। और इस पर्टिकुलर लेक्चर में अपन इनके लिए क्या बात करने वाले हैं, परमिएबिलिटी टेंसर की बात करेंगे, परमिएबिलिटी म्यू जिसको आप जानते हो, बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे इन मटेरियल्स पे, और उसकी वजह से इनमें जो इफेक्टिव परमिएबिलिटी होंगी जो पोलराइज लाइट है उसके लिए वो कितनी होगी, ये अपना पर्टिकुलर आज का टॉपिक। तो सबसे पहले आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जो फेराइट मटेरियल होते हैं वो क्या होते हैं, तो फेराइट होते हैं वो नॉन मेटेलिक मटेरियल होते हैं, उनकी रजिस्टिविटी और डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो सबसे पहले मैं किसकी बात कर रहा हूँ, फेराइट की, थोड़ा सा देख लो फेराइट के, अगले लेक्चर में अपन कंप्लीट डेफिनेशन या उसका जो फेराइट मटेरियल क्या होते हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है वो कंप्लीट डिटेल से बात करेंगे। यहाँ पर थोड़ा मैं रिव्यू दे देता हूँ कि जो फेराइट मटेरियल होते हैं वो फेराइट मटेरियल क्या होते हैं, फेराइट मटेरियल नॉन मेटेलिक मटेरियल होते हैं, क्या होते हैं, नॉन मेटेलिक मटेरियल होते हैं जिनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और परमिएबिलिटी, ठीक है, रजिस्टिविटी, सॉरी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रजिस्टिविटी, जो फेराइट मटेरियल होते हैं उनकी जो रजिस्टिविटी है वो मच लार्जर, 10^14, 10^14 या इससे भी ग्रेटर होती है इनकी रजिस्टिविटी, बहुत ज़्यादा होती है। वैसे ना पता ही आपको, नॉन मेटेलिक होगा तो इसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी, और जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो भी क्या होता है, 10^15, ये इससे भी ज़्यादा, ठीक है। ये तो आपको समझ आ गया होगा। अब जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है उनका जो कंपोजिशन होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। डाइलेक्ट्रिक जो, सॉरी, ये फेराइट जो मटेरियल है, MOFe2O3, ये इनका कंपोजिशन होता है फेराइट मटेरियल। एम क्या है, कोई भी मेटल हो सकता है, डाइवेलेंट मेटल, ठीक है, और Fe2O3, ये फेराइट का क्या होता है, कंपोजिशन, या किससे मिलकर ये बना होता है, ठीक है। अब आपको ये समझ आ गई होगी। अब अपने को इसमें जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उसकी अपने को क्या करना है, दूसरा, ये नॉन रेसिप्रोकल होते हैं, नॉन रेसिप्रोकल का मतलब इनकी जो प्रॉपर्टी होती है नॉन रेसिप्रोकल होती है, नॉन रेसिप्रोकल का मतलब होता है जो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट है, जैसे वेव प्रोपोगेट कर रही है, क्या कर रही है, वेव प्रोपोगेट कर रही है,
तो अलग अलग डायरेक्शन की अगर आप बात करोगे तो ये डायरेक्शन डिपेंडेंट होगा प्रोपोगेशन कॉन्स्टेंट, यानी जो फेराइट मटेरियल है वो नॉन रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, और नॉन रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी का मतलब है जब वेव की अलग अलग डायरेक्शन में क्या करेगी, प्रोपोगेट करेगी, तो उनके लिए जो प्रोपोगेशन कॉन्स्टेंट है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, सेम नहीं होगा। उन मटेरियल्स को अपन क्या बोलते हैं, नॉन रेसिप्रोकल मटेरियल। क्या मतलब, जो ट्रांसमिशन कोफिशियंट, सॉरी प्रोपोगेशन कॉन्स्टेंट, ट्रांसमिशन कोफिशियंट निकालेंगे ना अपन, ट्रांसमिशन कोफिशियंट, ट्रांसमिशन कोफिशियंट इज नॉट सेम फॉर डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ठीक है, यानी अब मैं आपको इसको क्या समराइज कर दूं, माइक्रोवेव प्रोपोगेशन की बात करें फेराइट मटेरियल कर रहे हैं क्योंकि ये सूटेबल है इसके लिए, माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी रीजन में काम करते हैं। अब इनकी क्या प्रॉपर्टी है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी की बात करें नॉन रेसिप्रोकल। नॉन रेसिप्रोकल का मतलब है ट्रांसमिशन कोफिशियंट डायरेक्शन चेंज करने पर ये भी चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है नॉन मेट, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है फेराइट की, ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा ब्रीफ रिव्यू दे देता हूँ। फेराइट नॉन मेटेलिक मटेरियल होते हैं जिनकी रजिस्टिविटी 10^14 या इससे भी ज़्यादा होती है, और डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 10^15 होता है, और इनका कंपोजिशन होता है MOFe2O3। अब अपने को काम क्या करना है, अपन अपना तो क्या है, इसका मैग्नेटिक बिहेवियर देखना है जो फेराइट मटेरियल है। तो देखो आज अपने को यहाँ पर जो बात करनी है इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करनी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की अपन बात करें, ठीक। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अराइज कैसे होगी, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखना पड़ेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड में रखना पड़ेगा तो इसको एसोसिएट जो मोमेंट होगा उसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की स्पिन पे डिपेंड करेगा। तो कुछ चीज़ें तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। सबसे पहले मैं चार्ज लिख देता हूँ, आपको ये सब चीज़ें पहले से पता होगी लेकिन मैं आपको बता देता हूँ इनका सिंबल और क्या होगा। यहाँ जो चार्ज होगा अपने पास में ई, उसकी जो वैल्यू होगी -1.6 इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। दूसरा एंगुलर मोमेंटम, जो इलेक्ट्रॉन है उसका एंगुलर मोमेंटम, एस से डिनोट करते हैं लेकिन यहाँ अपन पी से डिनोट करेंगे, और उसकी वैल्यू है, और ये जो सब मैं यहाँ पर वो ले रहा हूँ, ये माइक्रोवेव की बुक है कोलिन, माइक्रोवेव की एक बुक है कोलिन, उस बुक को प्रीफर कर रहा हूँ, ठीक है, कोलिन की बुक है उससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो सबसे पहले चार्ज की बात करें तो -1.6 × 10^-19 को लाम लिख दिया, एंगुलर मोमेंटम को पी से डिनोट कर रखा है वहाँ पे, उसकी वैल्यू h^2, और एक है डाइपोल मोमेंट, जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद, मैग्नेटिक डाइपोल और मोमेंट, जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है कोलिन की बुक में इसको डिनोट कर रखा है स्मॉल m से, और इसकी वैल्यू है, ये तो जानते हो आप, ई एच कट वाई टू एम लिखते हो, m को यहाँ पर लिख रखा है w, और w क्या है वहाँ पर, वेट है, ये क्या है, मास या वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। एच कट आप जानते ही हो, प्लैंक कॉन्स्टेंट, ये सब चीज़ें तो आपको पता चल गई होगी, अरे सब चीज़ें पता चल गई ना। अब आप देखो जो चार्ज पार्टिकल होते हैं ना, कौन से पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल, अब इलेक्ट्रॉन की बात करें अपन, तो जो उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का जो रेशियो है उसको अपन बोलते हैं जायरोमैग्नेटिक रेशियो। जायरोमैग्नेटिक रेशियो क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट टू द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट टू एंगुलर मोमेंटम इज नोन एज जायरोमैग्नेटिक रेशियो, और ये मैग्नीट्यूड की बात अपन यहाँ पर कर रहे हैं। अगर आप इसके वेक्टर नोटेशन की बात करोगे तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो कैसे होते हैं आपको पता होगा, जैसे मैं एक प्लेन लूँ, ये एक्स, ये वाई और ये जेड, मान लो आपने ये जेड डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है, कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट वेक्टर, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, स्पिनिंग मोशन करता है, तो स्पिनिंग मोशन मान लो वो स्पिनिंग मोशन जेड से कितने एंगल पे कर रहा है, थीटा एंगल पे, कितने एंगल पे कर रहा है, थीटा एंगल पर स्पिनिंग मोशन कर रहा है, इसका मतलब इसके अलोंग तो उसका क्या होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और जो उसका एंगुलर मोमेंटम होगा वो उसके अपोजिट। पक्का समझ आ गया,
अरे समझ आ गई ना ये चीज़। जायरोमैग्नेटिक क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट टू एंगुलर मोमेंटम का जो रेशियो होता है। लेकिन ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, और अपोजिट होते हैं तो मैंने मान लिया एक इलेक्ट्रॉन स्पिनिंग मोशन है, बी नॉट वेक्टर, मैंने जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगाया, तो उससे थीटा एंगल पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है और उसके अपोजिट उसका एंगुलर मोमेंटम। ये आपको समझ आ गएगा। अब आपको बताया जैसे आप इलेक्ट्रॉन को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, तो मैंने आपको भी बताया वो क्या करेगा, उस पर एक टॉर्क अप्लाई होगा, और उस टॉर्क की वैल्यू आप बता सकते हो क्या होगी? अरे टॉर्क की वैल्यू आप बता सकते हो? देखो मैंने बताया कि आपने जो इलेक्ट्रॉन है उसको किस में रखा, मैग्नेटिक फील्ड में, और मैग्नेटिक फील्ड कौन सा है, स्टैटिक, और स्टैटिक का मतलब कांस्टेंट है, और वो कितना है, बी नोट। ये रहा, जेड डायरेक्शन में लगा रखा है। अब मैं आपसे बात करूं कि उस पर क्या अप्लाई होगा, उस केस में टॉर्क अप्लाई होगा, उसको घुमाएगा ना, रोटेट कराएगा, तो जो टॉर्क होगा उसको मैंने टी से डिनोट कर दिया, और उस टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, एम क्रॉस बी। ये आपने पढ़ रखा होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। पक्का, यहाँ तक तो कोई डाउट? अब आपने पता है ये जो एम है इसकी वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो, कहाँ गई, जो जायरो मैग्नेटिक रेशियो निकाला था ना, ये रहा। ये दोनों वेक्टर नोटेशन की बात करोगे तो एम वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस गामा पी वेक्टर, तो टी वेक्टर यहाँ से क्या हो गया, माइनस गामा पी वेक्टर क्रॉस बी नॉट वेक्टर। इसमें किसी को डाउट? पक्का। अब टॉर्क आप जानते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या कहलाता है, जो टॉर्क होता है टी वेक्टर क्या होता है, डी पी वेक्टर बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज नोन एज टॉर्क। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, टी वेक्टर डी पी वेक्टर बाई डी टी, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस गामा पी वेक्टर क्रॉस बी जीरो वेक्टर। बोलो यहाँ तक तो कोई डाउट? अरे यहाँ तक तो कोई डाउट? अब ये गामा तो कांस्टेंट है, तो गामा तो मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, और इसको ए क्रॉस बी को अगर आप बी क्रॉस ए लिखोगे, बी वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ए क्रॉस बी क्या होता है, माइनस बी क्रॉस ए, गामा बी जीरो क्या होता है, ओमेगा जीरो वेक्टर एंगुलर वेलोसिटी, तो टी वेक्टर क्या हो गया, ओमेगा नॉट वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। आ गया समझे? ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन और उनके बीच का एंगल, तो ओमेगा नॉट पी साइन क्या होगा, और इसके टर्म्स में लिखो तो गामा बी नॉट पी साइन फाई। यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं होगी, मेरे को ऐसे लग रहा है। यहाँ पर ये जो ओमेगा, ये एंगुलर वेलोसिटी, और इसको प्रिसीजन फ्रिक्वेंसी या लार्मर फ्रिक्वेंसी भी बोलते हैं। ठीक है, ये मिटा दूँ इधर वाला मैं। अब देखो थोड़ा इसकी, अब देखो ये तो अपन सिंपल अभी तक जो आपने पहले पढ़ रखा ना वही बात की है, मैंने कोई इस पे अदर बात की नहीं, मैग्नेटिक बिहेवियर की। मैग्नेटिक बिहेवियर की बात तो ये सिंपल आपने सब कुछ पहले से पढ़ रखा है। अपन क्या करेंगे इस पे, सबसे पहले मैंने बात की फेराइट मटेरियल लिया, उसमें मैग्नेटिक फील्ड के केस में टॉर्क लगेगा, उस टॉर्क की क्या वैल्यू होगी स्टेटिक फील्ड में। अब क्या करेंगे, स्टेटिक के साथ में इस पे डायनेमिक एक फील्ड लगाएंगे। ठीक है, डायनेमिक फील्ड क्या होगा, चेंज होगा, तो उस केस में इसका बिहेवियर देखना है, और वो लेफ्ट सर्कुलर राइट सर्कुलर क्या होता है। तो सबसे पहले अपने को जो स्टैटिक के साथ में डायनेमिक फील्ड लगाना है, मैग्नेटिक फील्ड, वो सबसे पहले आपको समझ आना तो आना चाहिए कि जो डायनेमिक फील्ड होता है वो क्या होता है, और उसको लेफ्ट सर्कुलर सर्कुलर पोलेराइज कब बोलते हैं, राइट सर्कुलर पोलेराइज कब बोलते हैं, सर्कुलर का मतलब क्या है, पोलेराइज का मतलब क्या होता है, ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। अगर ये सब समझ में आ गई ना, तो डेरिवेशन तो 2 मिनट की आपको तुरंत समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ये ईडी के में भी आपने पढ़ रखी होगी, और भी बहुत सारी जगह पढ़ रही होगी, ये सब चीज़ें आपको जब समझ आ जाएगी ना, तो आप इसको तुरंत क्या कर सकते हो, आप इसको सिंपल कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको मैं बता दूँ, ओमेगा जीरो है, गामा बी जीरो, इसको अपन क्या बोलते हैं, लार्मर फ्रिक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, आगे समझे, लार्मर फ्रिक्वेंसी भी इसका नाम होता है, या एंगुलर वेलोसिटी। आगे क्या समझे, ये तो अपनी किस केस में बात होगी, स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड के केस में बिहेवियर। अब अपन मैंने आपको बताया डायनेमिक फील्ड लगाना है, ठीक है, तो अपने को एसी मैग्नेटिक फील्ड लगाना है, ये तो डीसी था, अब अपने को क्या लगाना है, स्मॉल एसी मैग्नेटिक फील्ड लगाना है इस पर। तो सबसे पहले जो एसी मैग्नेटिक जो फील्ड होगा वो लेफ्ट सर्कुलर राइट सर्कुलर कैसे होगा, या कौन सी कंडीशन में लेफ्ट सर्कुलर होगा, कौन सी कंडीशन में राइट सर्कुलर होगा, तो ये अपने को सबसे पहले पता होना चाहिए। आगे समझे, तो सबसे पहले देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर कर रहा हूँ, वो क्या है, सर्कुलर पोलराइज फील्ड है,
और उसके एक्सो सर्कुलर पोलराइज फील्ड है, कौन सा फील्ड ले रहा हूँ, एसी मैग्नेटिक फील्ड ले रहा हूँ, और कौन सा सर्कुलर है, सर्कुलर पोलराइज। अब सर्कुलर पोलराइज का मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए। सर्कुलर पोलराइज का मतलब क्या होगा, उसके जो दोनों कंपोनेंट होंगे, मान लो एक्स वाई प्लेन में लगा रखा आपने, तो एक्स और वाई दोनों प्लेन में जो कंपोनेंट है उनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। सर्कुलर का मतलब क्या होता है, सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इसका मतलब इसी फॉर्म में होना चाहिए, इसका मतलब एक्स और वाई के दोनों कंपोनेंट सेम होने चाहिए। तो सर्कुलर पोलराइज फील्ड के लिए क्या कंडीशन जरूरी है, जो कंपोनेंट ऑफ एक्स और वाई है वो मैग्नीट्यूड में क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, उनका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, डायरेक्शन हो सकती है डिफरेंट लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, उसी केस में वो क्या होगा, सर्कुलर पोलराइज फील्ड होगा। तो मान लो मैंने एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लगाया, कौन सा एसी, अब मैं इसको चेक भी करूंगा कि लेफ्ट सर्कुलर है या राइट सर्कुलर, और उन दोनों के केस में स्टैटिक पे अगर उसको एसी फील्ड को आप अप्लाई करते हो तो उस केस में परमेबिलिटी टेंसर की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे देखो सबसे पहले देखो, मैंने एसी मैग्नेटिक फील्ड लगाया, अब एसी मैग्नेटिक फील्ड जो लगाया है वो मैंने लगाया बी वन माइनस, और इस माइनस का मतलब ये भी बताएं, ठीक है, ये माइनस क्यों, इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, तो मैंने जो फील्ड लगाया वो क्या लगाया, बी वन ए एक्स के प्लस आयोटा ए वाई के, देखो ये ए एक्स के तो यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स, ए वाई के यूनिट वेक्टर अलोंग आई, वन आयोटा, आयोटा का मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो आयोटा का मैग्नीट्यूड भी वन होता है, इसका मतलब एक्स और वाई दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इसका मतलब ये जो इक्वेशन है वो किसको डिनोट करेगी, सर्कल की इक्वेशन को, इसीलिए यहाँ पर जो फील्ड होगा वो कौन सा होगा, सर्कुलर पोलराइज। लेकिन अब मेरे को ये फाइंड करना है कि ये जो फील्ड होगा ये लेफ्ट सर्कुलर होगा या राइट सर्कुलर पोलराइज फील्ड होगा। तो इस केस में मैं बात करूँ तो इसका जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट की बात करूँ तो आप जानते हो रियल पार्ट होता है हमेशा मैग्नेटिक फील्ड बी वन, और कंपोनेंट फॉर्म में लिख दूँ तो ई क्यार आयोटा ओमेगा टी ए एक्स के प्लस आयोटा ई की पावर आयोटा ओमेगा टी ए वाई के, ये किस में हो गया, कंपोनेंट फॉर्म में हो गया। अब आपको बताएं इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो देखो सिंप्लीफिकेशन क्या होगा इसका, ध्यान से समझ लेना इसको, ये e की आयोटा ना, इस आयोटा को मैं लिख सकता हूँ e की पावर आयोटा पाई बाई टू, कैसे लिख सकता हूँ, e की आयोटा पाई बाई टू क्या होता है, कोस पाई बाई टू प्लस आयोटा साइन पाई बाई टू, और कॉस पाई बाई टू जीरो होता है, साइन पाई बाई टू वन होता है, इसका मतलब वन आयोटा आ गया, ये आयोटा मल्टीप्लाई में तो ये आ गया, इसका मतलब मैं इसको एक ही बार आयोटा पाई बाई टू लिख सकता हूँ। तो क्या लिख सकता हूँ, बी वन माइनस को रियल पार्ट ऑफ बी वन ई की पावर आयोटा ओमेगा टी ए एक्स के प्लस ई की पावर आयोटा ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू लिख सकता हूँ ए वाई के, ओपन कर लो रियल पार्ट क्या लेना है, बाहर तो बी वन ओपन कर लो, कॉस ओमेगा टी प्लस आयोटा साइन ओमेगा टी, और साथ में क्या जाएगा ए एक्स के, और ये क्या हो जाएगा प्लस कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू प्लस आयोटा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, और साथ में ए वाई की। ठीक है, रियल पार्ट लेना ओनली, तो बी वन माइनस क्या हो जाएगा, रियल पार्ट लेना है तो बी वन, इसका रियल पार्ट तो कौन सा है, कोस ओमेगा टी ए एक्स के, और इसका रियल पार्ट क्या है, कोस ओमेगा टी प्लस वाई बाई टू, ये क्या होता है माइनस साइन ओमेगा टी ए वाई। ये अपने पास में कौन सा फील्ड आ गया कौन सा आ गया, बी वन माइनस वेक्टर अपने पास में फील्ड आ गया। अब अपने को चेक करना है ये जो लेफ्ट सर्कुलर फील्ड होगा या राइट सर्कुलर फील्ड होगा, चेक करें तो देखो इसका एंगल भी देख ले, ये एंगल कितना बनाएगा, तो एंगल क्या होता है टेन इनवर्स वाई कंपोनेंट बट एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट क्या है माइनस साइन ओमेगा टी, और एक्स कंपोनेंट कोस ओमेगा टी, साइन बटे कोस टेन ये माइनस साइन है, तो इसका मतलब क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर माइनस ओमेगा टी, इसका मतलब ये डायरेक्शन के अपोजिट यानी किस डायरेक्शन में घूम रहा है उसके अपन बात करते हैं। तो देखो किस डायरेक्शन में घूमेगा, लेफ्ट घूमेगा या राइट घूमेगा,
देखो मान लिया मैंने ये x कंपोनेंट है इसका, ये y कंपोनेंट और ये इसका z कंपोनेंट, ठीक है। और जो वेव प्रोपोगेट करी है वो कौन सी डायरेक्शन में प्रोपोगेट करी है, जेड डायरेक्शन। अपने को पता है जो अपना फील्ड है वो कौन सा होगा, सर्कुलर होगा। यहाँ से भी देख सकते हो इसके कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस इसके कंपोनेंट का स्क्वायर कॉन्स्टेंट आ रहा है। अरे कॉस स्क्वायर ओमेगा टी बी वन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस बी वन स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, बी वन स्क्वायर आ गया कॉन्स्टेंट। इसका मतलब क्या है, एक सर्कल की इक्वेशन। सबसे पहले ओमेगा टी इक्वल टू जीरो रखो, ये जीरो रखो सबसे पहले, ओमेगा टी की वैल्यू जीरो रखो। देखो एक्स कंपोनेंट तो क्या होगा इसका, यहाँ बता देता हूँ मैं, अगला आप खुद को करना है। बी वन कोस ओमेगा टी और वाई कंपोनेंट क्या है, माइनस बी वन साइन ओमेगा टी। अब देखो यहाँ पे ओमेगा टी को जीरो रखो, बी वन और ओमेगा टी को जीरो रखो तो ये जीरो हो जाएगा, साइन जीरो जीरो। इसका मतलब ओमेगा टी इनिशियल टाइम टी इक्वल टू जीरो पर या एंगल जीरो है तो कौन सा कंपोनेंट है उसका, ओनली एक्स कंपोनेंट, यानी ये कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन, ठीक है। और कितना है, बी वन कॉस ओमेगा टी, ओमेगा टी जीरो तो बी वन बचे, ये एक्स डायरेक्शन में। अब ओमेगा टी की वैल्यू उससे बढ़ाओ, जीरो से आगे बढ़ाओ, पाई बाई टू करो जिसे, तो पाई बाई टू करोगे तो ये जीरो हो जाएगा और ये साइन पाई बाई टू बन, लेकिन माइनस बी वन, इसका मतलब ये इधर पॉजिटिव आई है तो अपोजिट घूमेगा, यानी ये धीरे धीरे किधर घूम रहा है, जैसे ओमेगा टी थर्टी लो तो ये किधर घूम रहा है, इस डायरेक्शन में घूम रहा है, और कितने एंगल से, ओमेगा टी। इसका मतलब ये कौन से हैंड को फॉलो कर रहा है बताओ, लेफ्ट सर्कुलर है या राइट सर्कुलर बताओ, बोलो फटाफट। देखो जिस डायरेक्शन में ये घूम जा रही है वेव, उस डायरेक्शन में तो अपना अंगूठा रखो, और अगर इस हैंड को फॉलो कर रहा है तो लेफ्ट सर्कुलर होगा, और अगर इसको फॉलो कर रहा है तो राइट सर्कुलर। अब ये जेड है ना, ये अंदर की तरफ है तो ये अंदर की तरफ अंगूठा है, और कैसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ये अंगुलियां मेरी जो मुड़ी हुई है वो किसको दिखा रही है, जिस डायरेक्शन में फील्ड घूम रहा है, तो ये अंगूठा इस डायरेक्शन में जेड और ये ऐसे घूम रहा है, इसका मतलब कौन सा हैंड है, ये मेरा कौन सा हैंड है, लेफ्ट। तो कौन सी होगी यहाँ पर जो अपना फील्ड होगा वो कौन सा होगा, लेफ्ट सर्कल सर्कुलर है तो सर्कुलर पोलराइज, इसको नहीं कर रहा ना, देखो ऐसे थोड़ी घूम रहा है, ऐसे घूम रहा ना, तो ये तो बाहर की तरफ है लेकिन जाकर किधर रही है, अंदर की तरफ। तो अंदर अंगूठा रखा, मुड़ी हुई जो अंगुली है वो किसको दिखा रही है, घूमने की दिशा को, इधर ही घूम रहा है, इसका मतलब इस केस में जो फील्ड होगा वो कौन सा होगा, लेफ्ट सर्कुलर पोलराइज, लेफ्ट सर्कुलर पोलराइज, ठीक है। अब अपने को एक और निकालना है राइट सर्कुलर पोलराइज फील्ड, तो अब आपको पता चल गया होगा राइट सर्कुलर पोलराइज फील्ड क्या होगा, ये माइनस क्यों लगाया, पता चल गया माइनस क्यों लगाया, लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज फील्ड के केस में अपन ने माइनस लगाया, ठीक है। अब अगर अपन किसकी बात करें, अगर जो अपना फील्ड है वो कौन सा ले लें, ए एक्स के माइनस आयोटा ए वाई के, अगर माइनस यहाँ पे ले लेंगे तो लास्ट की जो इक्वेशन है ये सब आपको सोल्व करना है, तो यहाँ पे बी वन क्या वैल्यू आएगी, बी वन कोस ओमेगा टी ए एक्स के प्लस आयोटा सॉरी प्लस साइन ओमेगा टी ए वाई के। इसका मतलब इस केस में जो फील्ड घूमेगा इधर घूमेगा और ये जेड, तो इस केस में जो फील्ड होगा वो कौन सा होगा, राइट सर्कुलर पोलराइज फील्ड। अब लेफ्ट और राइट दोनों की वैल्यू अपने को मिल गई, ठीक है, लेकिन अब अपने को बताना क्या है, ये सुपर इम्पोज करना है, एक स्टैटिक फील्ड है और दूसरा जो एसी फील्ड है उसको उस पर सुपर इम्पोज करना है, और उस केस में परमेबिलिटी की वैल्यू इफेक्टिव परमेबिलिटी कितनी होगी ये अपने को निकालना है। तो देखो निकाले, सबसे पहले अपने को पता है जो अपना स्टैटिक फील्ड है, स्टैटिक फील्ड बी नॉट वेक्टर क्या है, बी नॉट कौन सी डायरेक्शन में, जेड के, और जेड के को अपन ए एक्स ए वाई ए जेड लिख रहे हैं तो आप ए जेड के भी लिख सकते। दूसरा सबसे पहले जो इसमें जो रिजल्टेंट जो टोटल फील्ड होगा, अब अपने दो लगा रहे हैं, एक स्टैटिक फील्ड लगा रहे हैं और एक एसी फील्ड लगा रहे हैं, कौन सा लगा रहे हैं, एसी फील्ड। तो उस केस में जो थीटा होगा, थीटा उसकी वैल्यू क्या होगी,
कितना एंगल होगा, टेन इनवर्स बी वन अपॉन बी नॉट, ठीक है। यानी रिजल्टेंट जो फील्ड होगा वो कितने एंगल पे अलाइन होगा जेड एक्सिस, ये अपन इससे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक कौन सा फील्ड, स्टैटिक फील्ड पे कौन सा फील्ड अप्लाई कर रहा हूँ, लेफ्ट सर्कुलर पोलेराइज फील्ड, लेफ्ट सर्कुलर पोलेराइज फील्ड अप्लाई कर रहा हूँ। तो बी वन माइनस क्या थी, वैल्यू थी बी वन क्या थी, कोस ओमेगा टी ए एक्स के माइनस साइन ओमेगा टी ए वाई के, पक्का यही थी ना। अब देखो इसको मैं अगर इसमें डिनोट करूं प्लेन में, ये किस केस में था, एम वेक्टर और ये पी वेक्टर और ये बी नॉट, ये स्टैटिक केस में था, किसमें था, स्टैटिक केस में था, ठीक है। और ये जो एंगल बना रहा था वो मैंने जो पहले एंगल बना रहा था वो अपन ने माना था ये फाई था, ये कितना था फाई, पक्का। अब अपन ने लेफ्ट सर्कुलरली फील्ड बनाया लगा दिया, तो लेफ्ट सर्कुलरली फील्ड अगर अपन ने लगाया तो ये इसी की डायरेक्शन में, स्टैटिक फील्ड की, तो स्टैटिक फील्ड की डायरेक्शन होने की वजह से ये क्या होगा, इसमें इसका जो एंगल है ये क्या होगा, जो रिजल्टेंट फील्ड है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो बी टी, इसका मतलब जो रिजल्टेंट फील्ड है उसका एंगल थीटा और थीटा इज ग्रेटर देन फाई, तो ये जो होगा ये तो होगा बी टी वेक्टर और ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये बी वन माइनस वेक्टर, ठीक है। और इस केस में जो थीटा है वो ग्रेटर देन फाई हो, आ गया समझे, अरे समझ आ गया नहीं। अब देखो इसके अंदर जो टॉर्क है टी एम क्रॉस बी टी वेक्टर, ये अपन ने पहले पढ़ा था एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, अब बी कौन सा होगा यहाँ पर, टोटल या रिजल्टेंट, ठीक है। एम वेक्टर क्या था, माइनस गामा पी वेक्टर, एम वेक्टर क्या था, माइनस गामा पी वेक्टर क्रॉस बी टी वेक्टर, और इसको मैंने क्या लिखा था, डी पी वेक्टर बाई डी टी, ये लिखा था क्या, अरे ये लिखा था गामा बी, क्या था गामा बी, इसको मैंने क्या लिखा था, गामा बी टी वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, ये लिखा था। और गामा बी क्या था, ओमेगा क्रॉस पी वेक्टर, अरे ओमेगा था ना एंगुलर वेलोसिटी, यही था। तो अब ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ओमेगा ए जेड के लिख सकता हूँ, अरे लिख सकते हैं ना, पक्का। चलो सिंप्लीफाई करें तो देखो क्या होगा, सिंप्लीफाई करूं तो इस टर्म को देखो ये क्या बता रही है, माइनस गामा पी बी टी और पी और बी के बीच का एंगल, तो P और B के बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा, थीटा माइनस फाइव, थीटा बड़ा है तो साइन क्या हो जाएगा, थीटा माइनस फाइव। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर P को पहले लिखा होगा ओमेगा को बाद में, तो P ओमेगा और इन दोनों के बीच का एंगल, तो ये माइनस साइन आएगा ना बाहर, माइनस P ओमेगा साइन फाइव, और इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ओमेगा P क्रॉस ए जेड, ठीक है, अरे समझ आ गया नहीं। चलो सिंप्लीफाई करो, माइनस गामा पी बी टी साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी इक्वल टू पी ओमेगा साइन, माइनस माइनस तो प्लस हो गई, पी से पी भी कैंसिल हो सकता है, अरे पी से पी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले तो देखो क्या होगा, अपने को तो वैल्यू किसकी निकालनी है, तो कोस वाली टर्म एक तरफ कर लो, साइन वाली टर्म एक तरफ, ये पी से पी कैंसिल हो गया, कोस वाली टर्म तो इसमें आ रहा साइन फाई, इसमें आ रहा साइन फाई, तो ये तो उधर ले जाओ और ये इधर रख लो, तो गामा साइन थीटा कोस फाई और ये साइन फाई कॉमन आ जाएगा, तो ये क्या बचेगा, गामा
कोस थीटा प्लस ओमेगा। बी टी भी है ना इसमें साथ में, तो ये बी टी और ये बी टी, ठीक है। अब जो कोस कंपोनेंट है वो तो जेड के लोंग है, तो बी टी जो कोस थीटा कंपोनेंट होगा वो तो कौन सा होगा, बी नॉट स्टैटिक जेड के लोंग, और जो बी टी साइन थीटा है ये क्या होगा बी वन, वो उसको रोटेट कराएगा, ठीक है। मान लिया मैंने, तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ इसको, इस इक्वेशन को क्या हो जाएगा, ये गामा बी टी साइन थीटा, तो गामा बी वन कोस फाई इक्वल टू साइन फाई बी टी कोस थीटा, क्या होगा बी नॉट गामा प्लस ओमेगा साइन बटे कोस टेन फाई, क्या होगा गामा बी वन बटे गामा बी नॉट प्लस ओमेगा। अब गामा बी वन ओमेगा होता है ना, तो ये क्या हो जाएगी वैल्यू, ओमेगा वन डिवाइड बाई ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा, इसका मतलब जो टेन फाई है वो कितनी वैल्यू आ गई, ओमेगा वन डिवाइड में ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा। ये तो किसके लिए आ गई, लेफ्ट सर्कुलर पोलेराइज फील्ड के लिए, ठीक है। तो लेफ्ट सर्कुलर पोलेराइज फील्ड के लिए जो एसी फील्ड होगा उसको अपन ने एम नॉट माना, अरे एम साइन फाई, ये जो लेफ्ट सर्कुलर पोलेराइज फील्ड है इसके लिए ये कंपोनेंट क्या करा रहा है, उसको रोटेट करा रहा है, तो रोटेट करा रहा है तो इसका जो लेफ्ट सर्कुलर पोलेराइज फील्ड एसी फील्ड है उसका जो कंपोनेंट होगा एम माइनस, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ एम साइन थीटा, ठीक है। अब ये तो बात अपन ने किसके लिए कर ली, लेफ्ट सर्कुलर पोलेराइज फील्ड के लिए, यही बात अपन किसके लिए करें, अब थोड़ा इसको थोड़ा चेंज कर ले, तो एम नॉट जो यहाँ पर ओमेगा वन है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अरे ओमेगा वन है ना तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, टेन एम माइनस जो एसी कंपोनेंट है इसका लेफ्ट सर्कुलर पोलेराइज फील्ड के लिए जो एसी कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा एम माइनस एम साइन फाई, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ एम नॉट टेन फाई, और एम नॉट क्या हो जाएगा एम कोस फाई, यानी अपने को एम नॉट की वैल्यू में क्या रख दूँ एम कोस फाई, एम कोस फाई टेन साइन बटे कोस, तो कोस से कोस कैंसिल, तो यही आ जाएगी क्या टर्म, अरे ये टर्म यहाँ रखोगे टेन को साइन बटे कोस, कोस से कोस कैंसिल तो साइन बच जाएगा, क्यों ऐसा क्यों किया अपन ने, क्योंकि टेन की वैल्यू अपने को पता है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ एम नॉट ओमेगा वन डिवाइड में ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा, ओमेगा वन क्या है गामा बी वन, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ एम नॉट गामा बी वन डिवाइड में ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा। सेकेंड कौन केस कौन सा लेंगे, राइट सर्कुलर, राइट सर्कुलर पोलेराइज फील्ड में क्या होगा उसके अंदर की तरफ आ जाएगा वो, तो जो थीटा है पहले बड़ा था, इस बार क्या होगा फाई से छोटा हो जाएगा, फाई से छोटा हुआ जाएगा, तो इस बार जो डायरेक्ट में इक्वेशन लिख दूँ तो टेन फाई क्या हो जाएगा, बस यहाँ पर कितना केस, ये जो कंपोनेंट है ये फाई माइनस थीटा हो जाएगा, तो बस यहाँ फर्क कितना आएगा टेन फाई ओमेगा वन बटे ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा, ठीक है, ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। और ये एम माइनस था, ये कौन सा कंपोनेंट था एम माइनस, तो इस बार जो एम प्लस है वो कितना आ जाएगा एम नॉट गामा बी वन ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा, ये किसके लिए आ गया राइट सर्कुलर पोलेराइज फील्ड। अब अपना जो मेन पर्पज़ था वो मेन पर्पज़ क्या था उसके लिए इफेक्टिव परमेबिलिटी निकालना म्यू प्लस और म्यू माइनस, किस केस में एसी फील्ड लगाने के बाद, तो देखो अब देखो अपन ओवरऑल इसकी बात करें तो जो मोशन है, एक सिंगल अपन ने क्या लिया था स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन लिया था, एक सिंगल स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन लिया था, उसमें जेड डायरेक्शन में तो क्या लगा रखा है स्टैटिक फील्ड,
और एक्स वाई प्लेन में क्या लगा रखा है, एसी फील्ड ये लगा रखा है। तो उसके लिए अपन क्या करें, इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें। तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन होगी, इक्वेशन ऑफ मोशन वो क्या होगी, टी एम वैक्टर बाई डी टी क्या होगी, डी एम वैक्टर बाई डी टी माइनस गामा एम वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर। एम क्या है यहाँ पर, मैग्नेटाइजेस। तो डी एम वैक्टर बाई डी टी क्या होगा, रेट ऑफ मैग्नेटाइजेस। ठीक है, अब अपन बात करें सबसे पहले अगर अपन बात करें जो एसी फील्ड है, टोटल एसी फील्ड होगा वो पॉजिटिव और नेगेटिव सर्कुलर पोलराइजेशन के केस में कैसे दिया जाएगा, टोटल एसी फील्ड दो केस होंगे ना, अरे लेफ्ट राइट होंगे ना दोनों, तो बी वेक्टर क्या होगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड की बात करोगे, बी वेक्टर म्यू नॉट एच वेक्टर प्लस एम वेक्टर। सबसे पहले पॉजिटिव सर्कुलर पोलराइज या राइट सर्कुलर पोलराइज की बात करें तो बी प्लस क्या लिख सकते हो, बी प्लस म्यू नॉट एच प्लस प्लस एम प्लस, और म्यू नॉट एम क्या हो जाएगा, बी वन, तो म्यू नॉट एच प्लस प्लस बी वन प्लस, जो बाहर से एसी फील्ड आपने लगाया, सॉरी म्यू एच होगा ना बी वन, म्यू नॉट एच, म्यू ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एम प्लस, ये तो ऐसे कैसे, और म्यू नॉट एच प्लस क्या हो जाएगा, बी वन प्लस। अब आपको जो वैल्यू इसकी पता है वो आप पुट कर दो, पुट कर दे तो देखो क्या होगा। देखो B प्लस तो क्या होगा, म्यू नॉट, क्योंकि म्यू नॉट अपने को कंपेयर कराना ना, तो M प्लस प्लस H प्लस म्यू नॉट, ये मैग्नेटाइजेशन क्या होगा, N इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए M स्मॉल m और कैपिटल M क्या है, सबके लिए, तो कैपिटल N इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ, ये क्या है, कैपिटल N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन एम प्लस की वैल्यू यही है, एम नॉट गामा बी वन ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा प्लस एच प्लस। आ गया समझे, अरे आ गया ना, ये एन एम नॉट ये सबके केस में हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, कैपिटल एम नॉट गामा बी वन ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा प्लस एच प्लस, एन एम नॉट ये टोटल मैग्नेटाइजेशन हो गया स्टैटिक केस में। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट, अरे कोई डाउट है क्या, नहीं, तो अब देखो इसको क्या करें, सिंप्लीफाई करें, तो ये जो बी वन है ये भी प्लस वाले केस में, तो बी वन प्लस हो जाएगा, तो म्यू नॉट एम नॉट गामा, बी क्या होता है म्यू एच, तो म्यू एच वन प्लस ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा प्लस एच प्लस। एच प्लस यानी एच वन जिसकी भी अपन बात करें, एच या तो इसको एच लिखो या इसको एच वन कर दो, दोनों एक ही बात है, तो मैंने इसको एच वन कर दिया। ठीक है, तो एच वन प्लस कॉमन आ जाएगा, अरे कॉमन आ जाएगा ना, तो क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट एम नॉट गामा ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा प्लस वन एच वन प्लस, और ये क्या हो जाएगा, बी म्यू एच, इसका मतलब म्यू और एच, तो म्यू एच से एच कैंसिल हो गया, तो म्यू प्लस क्या आ गई, म्यू नॉट वन प्लस एम नॉट गामा म्यू नॉट बटे ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा। ये अपने पास में इफेक्टिव परमिबिलिटी आ गई फॉर राइट सर्कुलर पोलराइज फील्ड। ऐसे अगर आप लेफ्ट सर्कुलर पोलराइज फील्ड की बात करोगे, किसकी बात करोगे, लेफ्ट सर्कुलर पोलराइज फील्ड की बात करोगे, तो वहाँ कितनी वैल्यू आ जाएगी, बी माइनस की, म्यू माइनस की। सेम यही प्रोसेस फॉलो करनी, बस वहाँ माइनस आ जाएगा, तो माइनस की वैल्यू क्या है, ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, म्यू माइनस इफेक्टिव परमिबिलिटी, म्यू नॉट सेम वापस से सॉल्व करना आपको, एम नॉट गामा म्यू नॉट ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट ठीक है, सोल्व कर लोगे, सेचुरेटेड हो गया, तो सेचुरेट के केस में क्या लिख सकते हो आप, कंप्लीट एम एस गामा म्यू नॉट
डिवाइड में ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा प्लस, ये सेम यहाँ हो जाएगा एम एस सेचुरेट। तो ये अब इफेक्टिव परमेबिलिटी आ गई अपनी किसके केस में, लेफ्ट सर्कुलर और राइट सर्कुलर पोलेराइज फील्ड के केस में। कब, जब अपना जो बी वन है वो लेस लेस स्मॉल एसी मैग्नेटिक फील्ड के केस। ठीक है, अब नेक्स्ट अपना बहुत ही अच्छा टॉपिक है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, उसकी अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। फेराइट मटेरियल क्या होते हैं और परमेबिलिटी टेंसर फॉर फेराइट मटेरियल के लिए क्या होगा, ये अपने को निकालना है। 16 नंबर में क्वेश्चन वो पूछता है।